मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। क्या क्या कहा तुमने? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझसे शादी करोगी? दुष्यंत, कपड़े उतारो। दुष्यंत, रिश्ते सब जिस्मों के होते हैं, बाकी तो सब ख्याल है। हम छू नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते। बोल, शादी करोगी मुझसे? मेरे साथ सोगी? मैं कभी जागना नहीं चाहता। दुष्यंत, बाहर चले जाइए सर। ओ, सुहागरात में बाराती नहीं आते। देखो दुष्यंत, वो इंसान कमजोर होते हैं जो अपनी जिंदगी को सस्ती औरतों के साथ गुजारते हैं। अरे हो गए तो मैं क्या करूं? सब लोग अपने अपनी तरह से कीमत लगाते हैं, जरूरत के तराजू पर। लेकिन दुष्यंत, कोई पैसे मांगता है और कोई जिस्म, इसमें बुराई क्या है सर? और फिर निशा तो एक सच है जो मुझसे प्यार करती है। निशा, हाँ एक मिनट सर, एक खुशखबरी तो सुनते जाइए। मैं शादी निशा से ही करूंगा। निशा का मतलब रात होता है दुष्यंत, उसे दिन के उजाले में ढूंढो। वैसे तुम तो खुद ही समझदार हो। बाय दुष्यंत। ये रहे एग्रीमेंट के कागज, इसे ठीक से पढ़ लो। अगर तुम सहमत हो तो इसे स्टैम्प पेपर पर टाइप करवा लूंगा। स्टैम्प पेपर? अरे यार कोई जल्दी नहीं है, हमें से कौन भागा जा रहा है? हाँ सर, आप हैं तो मुझे पढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं दुष्यंत, डोंट डू दिस। फर्स्ट यू सी द ड्राफ्ट। मुझ पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि तुम अकलमंदी से काम करना छोड़ दो, अंडरस्टैंड? दुष्यंत, हेलो, हाय दुष्यंत। पापा तुमसे मिलने आए हैं। ओए पापे, तुसी ते छा गए हो। ओए सोने तो तुसी लग रहे हो, उल्टे सोने चलन भी लग पाए हो। हेलो जी, हेलो जी, माइसेल्फ कमलेश, तुसी राजपाल, वीरेंद्र राजपाल, डींगरा कमलेश डींगरा। दुष्यंत पुत्र, मैनू तेरे नाल प्राइवेट गल करनी है, मैन टू मैन। कहिए। ओ तेनू क्या है ना यार, प्राइवेट गल हैगी है। एक्सक्यूज मी, यहां सब अपने ही है। सर से मेरी कोई बात छुपी नहीं है, आप कहिए। मैं क्या जी, गा लेंदे हो तो कमा भी लेंदे हो, उस पैसे नू जमा भी लेंदे हो कि नहीं? आप तो प्राइवेट बात करने आए थे, ये पैसा पैसा तो सारी दुनिया करती रहती है।
मुझे मुझे समय कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं? ओए अपने पहले भी नहीं। ओए महार सुटिया, ओए महार सुटिया। मिस्टर ढिंगरा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या दुष्यंत जी, मैं थोड़े पहनू दुगना कर सकता, दुगना कीजिए तिगना कर सकता। एंज एंज एंज, एक बार पहल लगाओ ते बार बार कमाओ। मैंने आपसे कहा ना, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओ रहन दो जी, हुण जिहड़े देण दा जिगर रखदे ने ओ पुछदे नहीं। मैं भी निशा दी गल्लां विच आके इत्थे आ गया, सारे कहंदे ने मैनू पैसा प्यारा नहीं, मैनू पैसा प्यारा नहीं, पर जब देण दी वारी आंदी है ना तो रहन दो जी। हुण एक मिनट, क्या नाम है आपका? मिस्टर ढिंगरा, कितने पैसे चाहिए आपको? 2 करोड़ पुत्र, सिर्फ 2 करोड़। एक बारी मेरा नया टीवी मार्केट विच आ जावे बस। एक मिनट दुष्यंत, पहले इनका प्रपोजल सुनो, वेरीफाई करो उसे। सुनना की है वकील जी, सौदा फायदे वाला हैगा। 2 करोड़ लाओ तो 6 करोड़ कमाओ, गारंटेड। ऐ गल तां मैं लिख के देण लई तैयार हां। अरे सोच देखी हो। लिखकर दे सकते हैं आप? तो फिर लिखकर दे दीजिए 2 करोड़ का चेक, वरना दोनों का दिवाला। एदी विच एनी फॉर्मेलिटी दी की लोड़ है? आपस दी गल है, दोनों ही मेरे बच्चे ने, क्यों दुष्यंत पुत्र? बात आपस की नहीं है, करोड़ों की है। और फिर अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर इस कागज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। गल की है, तुहानू लिखना तो आंदा है ना? हाँ हाँ हाँ, लाओ जी। अगर जय का फोन होगा तो मुझे देना, समझ गई? जाओ। हेलो हेलो, दुष्यंत है? मैं जया बोल रही हूँ। ओह जस्ट अ मिनट, जया का फोन है, मैं क्या करूँ? किसका है? मेरा फोन है। इस बार मैं हारना नहीं चाहती सुजीत। निशा, तुम्हारे जिस्म का हर वार बेकार में गया, इस बार अपने दिमाग की कमान से ऐसा तीर छोड़ो कि अब जो जया लौटी सो लौटी, लेकिन आइंदा वो कभी लौट ना पाए। हेलो हेलो जया, हाँ? मैं निशा बोल रही हूँ। हाय निशा, हाउ नाइस टू हियर फ्रॉम यू। सेम हियर। कहाँ से बोल रही हो? घर से। दुष्यंत है? वो तो नहीं है, पर मैं मिलने आती हूँ। ओह कहाँ जा रही हो? बाजी तो खत्म कर लो। पापा का फोन था, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। यार दुष्यंत, मैं ही खेलता हूँ तेरे साथ, निशा हो या मैं, हर हाल में हार तुम्हारी ही होगी। ये तो देखना होगा। जानती हो मैं आज किससे मिली? जया से। क्या कहा? हाँ जया से, वो आजकल यहीं है, तुमसे मिलना चाहती है। कहाँ है वो? मुझे मालूम था कि तुम तड़प उठोगे बेचारे। इस तरह के खेल मत खेलो मेरे साथ। खेल मैं नहीं, वो खेल रही है दुष्यंत। कहाँ है वो? मुझे अफसोस है कि तुमने हीरे और पत्थर में फर्क करना आज तक नहीं सीखा। मैं तुम्हें बिखरने से, टूटने से बचाना चाहती थी दुष्यंत, मैं तुम्हें प्यार करना सिखाना। बंद करो बकवास। जया, जया मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? वो आएगी, मगर इस बार तुम्हारा गाना सुनकर मगन होने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हारे गाने का हिसाब लेने। उसे पैसे चाहिए। क्या? उसका कहना है कि तुम्हारी कामयाबी में उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब वो उसका मोल लगाने आ रही है। मोल लगाना चाहती है, दिल तो लगाया नहीं। दे दे यार, समझा कर ना। कलयुग है मेरे भाई, यहां मुफ्त कुछ नहीं मिलता, प्यार भी नहीं। हे भगवान, तुमने मेरे दुष्यंत को नाम शोहरत देकर मेरी आशाओं को सच कर दिखाया। तुमने मुझे मेरी प्रार्थना का फल दे दिया भगवान। से तुम कामयाब। कैसा लगा तुम्हें ये मेरा मकान? अच्छा है, बहुत अच्छा बना है तुमने। बनाना पड़ा, किसी की आंखों से जो बेघर हो गया था। जानती हो जया, ये ईंट पत्थर से मकान, छत, दीवारें तो बन सकती हैं, लेकिन घर नहीं। चाहे तो इनकी कीमत पैसों से अदा की जाए या आंसुओं से, पर घर गुड़िया घरों की तरह नहीं होते। झूठे और खोखले बुनियादों पर नहीं टिकते वो, ना ही वो सस्ते दिखते हैं। बिकने से याद आया, तुम्हारे लिए। तुम ठीक समझती थी जया, दुष्यंत तुम्हारा ही बनाया हुआ किरदार है। अगर तुम ना होती तो कुछ भी ना होता। नथिंग। इन पैसों पर तुम्हारा पूरा हक है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी है मुझ पर। ये सब कुछ तुमने तो दिया है, मैं ये तो चाहता था। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जया संभल कर, हर कदम सोच कर देकर उठाना चाहिए। लाओ मैं तुम्हारा ये बोझ हल्का कर दूं। भाई आखिर मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है, और ऊपर से ये नजाकत, ये मासूम सा चेहरा, भला मैं तुम्हें तकलीफ कैसे दे सकता हूँ।